తుంగ మాలికంద మట్ట 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 మన్నినాద మట్ట మరువయం చకార చండ తాండవం తనూతన శివ శివం శివం. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. सबको उठ चुकी थी मैं, नहा भी ली और सब भी नहा लिए अब. लेकिन हम जा रहे हैं, पहले मैंने बोला था कि हम मंदिर जाएंगे, तो अब दोबारा से हम माँ कालेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं. देखते क्या पता अब नंबर आ जाए हमारा, तो जल अभिषेक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. बाकी हम जाकर अभी ट्राई करेंगे, अभी लाइन वगैरह में लगेंगे, उसके बाद देखते हैं कि नंबर आता है या नहीं आता. और टाइम हो रहा है 10:30 बजने वाले हैं, तो अभी जाके लग जाएंगे. कल हम लगे थे 2:30 बजे, तो फिलहाल के लिए अभी जाके लगते हैं, फिर देखते हैं, फिर जैसे भी होगा आप लोगों को बताते हैं. और सब रेडी हो चुके हैं, आधे लोग चले गए हैं वो मांगलिक की जो पूजा होती है वो कराने, और हम अभी यहीं पे हैं. तो हम जाएंगे, फिर जैसे जैसे होगा मैं आपको बता दूँगी. बाकी के लिए अभी चलते हैं. तो हमने रूम लॉक कर दिया है, अब हम लोग जा रहे हैं. पहले नीचे जाएंगे भैया भाभी को लेकर, फिर डिसाइड करते हैं कि पहले ब्रेकफास्ट करने जाएंगे या डायरेक्ट जाके लाइन में लगेंगे पहले की तरह भूखे प्यासे. तो अभी नीचे जाके डिसाइड करते हैं क्या डिसाइड होता है, फिर आपको मिलता है. तो हम लोग आ गए हैं लिफ्ट में, ये देखो कृपया दरवाजा ओपन करें. अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने, और हमने तिलक लगवा लिया है. तो हम लोगों ने अपने जूते वगैरह जमा करा दिए, क्योंकि पहले तो हमारे चोरी हो गए, मतलब भैया के चोरी हो गए, हमारे नहीं हुए. तो फिलहाल चल रहे हैं अभी अंदर की ओर. अंदर एंट्री करने के बाद हमें काफ़ी दूर तक ऐसे ही चलना होता है, और हमने यहाँ देखा कि जो भक्तों के लिए सुविधा कर रखी थी वो काफ़ी अच्छी कर रखी थी. ज़मीन पर दरी बिछा रखी थी और ऊपर धूप से बचने के लिए तिरपाल लगा रखा था. उसके बाद अंदर आते ही सबसे पहले हमारी गई नज़र कॉरिडोर पर. कॉरिडोर पर हमने जब देखा इतने सारे भगवान थे, सच में ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग स्वर्ग में आ चुके हो. सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, दिल एकदम खुश हो चुका था हमारा. जा रहे हैं हम दर्शन के लिए. अब देखो भोले बाबा की मर्जी, दर्शन होते हैं या नहीं होते. बाकी चल रहे हैं. जय महाकाल, जय महाकाल. उसके बाद हमने अंदर हॉल में आके देखा कि यहाँ पे भक्तों की कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी. यहाँ पर कई जगहों पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा रखी है, जिसपे आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं. और हमने यहाँ देखा कि मंदिर की साइड की जो जगह थी वहाँ पर बैरिकेड लगा रखे थे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत काम चल रहा था. तो अभी वो जब रिपेयर हो जाएगा तो वो बैरिकेड हटा दिए जाएंगे, तो लोग वहाँ से दर्शन करने चले जाएंगे. अब बात कर लेते हैं टिकट की. अगर आप लोग 750 वाली टिकट लेके आते हैं तो आप जल अभिषेक कर सकते हैं गर्भगृह में जाकर. और अगर आप जेंट्स हैं तो आपको धोती और बनियान पहनकर जाना होता है, और अगर आप लेडीज हैं तो आपको एक सिंपल साड़ी पहनकर अंदर गर्भगृह में जाना होता है. अगर आप लोग 250 वाली टिकट लेते हैं तो आप नॉर्मल कपड़ों में भी दर्शन करने जा सकते हैं, और आपके दर्शन कम से कम 10 कदम की दूरी पर खड़े होकर आपके दर्शन होते हैं. आप जब अपनी आंखों से खुद शिवलिंग को देखेंगे आप उनकी भक्ति में खो जाएंगे. और जब उनका श्रृंगार किया जाता है, इतने भव्य तरीके से श्रृंगार किया जाता है भगवान शिव जी का, श्रृंगार किया जाता है भस्म आरती के वक्त. भस्म आरती बेहद अलग ढंग से की जाती है, और भस्म आरती सुबह के 4 बजे की जाती है, और यह आरती ताजी चिता के राख से की जाती है. इस आरती को केवल मंदिर के पुजारी ही करते हैं. महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. यही एक इकलौता 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पर शिवलिंग की आरती भस्म आरती से की जाती है, और इसके दर्शन करने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है. और अब बात कर लेते हैं गर्भगृह में फ्री जल अभिषेक करने की. अगर आप लोग फ्री जल अभिषेक करना चाहते हैं तो आपको 4 दिन मिलते हैं फ्री जल अभिषेक करने के, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार. ये 4 दिन आपको मिलते हैं, और दिन के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जल अभिषेक होता है वहाँ पर. और हम लोग बहुत ही ज़्यादा लगते थे, हमने शिव जी के दर्शन गर्भगृह में जाकर किए, और 1 से 4 बजे के बीच हमने जल अभिषेक किया, और सच में ऐसा लग रहा था कि साक्षात अभी शिव जी वहीं पर बैठे हैं हमारे सामने.
गए थे और उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी कि कैसे क्या हुआ। बस बाबा की कृपा थी और हमारे दर्शन हो गए। फिलहाल के लिए भी हम यहाँ पर लंच करने आए हैं, सब लोग बैठे रहेंगे। हाँ मम्मी को दिखाओ पहले कैमरे में। तो अभी पापा ऊपर गए हुए हैं, पापा भी आ रहे हैं, फिर हम लंच वगैरह करके फिर हम रूम पे जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि कोई मंदिर जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। और पहले तो मैं आपको स्टोरी बताऊंगी कि हमारे दर्शन कैसे हुए, वो बड़ी अच्छी स्टोरी है, रूम पे जाके आपको बताऊंगी सबके बारे में। चलो फिलहाल के लिए अभी लंच कर लेते हैं। कैसा लग रहा है ना? और खानी है? मीठा नहीं खाना हमने। खाना कैसा रहा? बहुत बढ़िया खाना। तो हम सब लोग दर्शन कर कर आ गए थे होटल पे। हम पहले तो गए थे खाना खाने, लंच करने गए थे, उसके बाद में हमने लंच वगैरह करके फिर हम आ गए होटल पे। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और आपको मैं बता देती हूँ कि हमने कैसे दर्शन किए थे। तो अभी मैं बैठकर मैं, भाभी और मम्मी, हम तीनों बताएंगे कैसे कैसे दर्शन करे हमने। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। लोग आपको बताते हैं कि हमारी दर्शन करने की क्या गणित रची, हमने क्या करा, कैसे हमारे दर्शन हुए, कैसे भोले बाबा ने जिद, मतलब हमने जिद करी, उन्होंने कैसे हमें बुलाया। तो भाभी से स्टार्ट करते हो, भाई बताओ। मैंने तो चाची को पकड़ा, चाची को कहा चाची तबीयत खराब हो रही है, चलो 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 मैं पकड़ के लेके चलती हूँ। फिर चाची को बिठा लिया एक जगह रस्ते पे। अब चाची बताएंगी। जब इसने मेरे को पकड़ा, मैंने कि मेरे को निराश कुछ नहीं हो रहा, अरे नहीं भाई वो आ रही है सामने से सिक्योरिटी गार्ड, अरे नहीं भाई जल्दी करो जल्दी बाहर चलो बाहर चलो, भाई बाहर जाओ तबीयत खराब हो रही है, नहीं बाहर जाओ। फिर कोई तो पिल्लरों के पीछे चिपक रहा है, कोई कहीं चिपक रहा है, कोई नीचे फैल गया, किसी को सर में दर्द हो रहा है, किसी के आँख में दर्द हो रहा है। अब मैं बताती हूँ मेरे पापा ने क्या करा। मैंने बोला पापा क्या करे क्या नहीं, तो पापा बोल रहे एक काम करता है, ये बोल देते हैं। मेरे पापा देखो कैसे करे, बोल रहे कह रहे ये ना आँख में दर्द हो रहा है, ऐसे बोल देंगे। बताओ यहाँ पर आँख आ गई, एक क्या बोल रही, वो नीचे बैठ गई, सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पे ना, वो नीचे करके बैठ गई। तो उसने बोला कि आप क्यों बैठे यहाँ पे, तो कह रही मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे से बात मत करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। एक बोल रहा मेरे दिल में छेद है, मुझे मत हंसाओ। भाई इतना परेशान कर दिया हमने उनको, वो बेचारी परेशान होकर ना उसने आखिर में हमें उसने एक बार बिठाई दिया। पहले वो तीन चार थी वहाँ पे, फिर वो उसके बाद में सारे लोग आगे दर्शन करने चले गए थे। फिर हम लोग, मैं और पापा आगे खड़े थे, बाकी सब लोग पीछे थे। तो हमने कहा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, हम फिर धूप में खड़े हो गए थे जाकर। उसके बाद में वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ का, उसने हमें बुलाया कि जाओ जाओ आपके लिए ना, मतलब आपके भी दर्शन होंगे, आपके बहुत अच्छे नसीब है, जाओ पीछे चले जाओ, उनके साथ ही बाद में जाना। उसके बाद में हम सारे खड़े हो गए, पूरी फैमिली हमारी, इतना अच्छा लगा, मतलब मान भी नहीं सकते थे कि हमारे दर्शन हो जाएंगे। और सच में बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब लोग हैं हम जो हमारे दर्शन हो गए। बाकी आप लोग भी आओ, बहुत अच्छा है, महाकालेश्वर बहुत अच्छा जगह है दर्शन करने की। तो अभी चलते हैं, फिलहाल के लिए अभी तो हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे, देखते हैं कहाँ पे जाना है। अभी तो काल भैरव भी जाना है, एक दो जगह और जाना है, तो अभी फिलहाल के लिए रेस्ट करेंगे। तो हम सब लोग तैयार हो गए हैं दोबारा से, मतलब हम थोड़ी देर पहले सो गए थे, एक दो घंटे की नींद ले ली है, तो हम रेडी हो गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, और भी सारे मंदिर हैं वहाँ पर, वहाँ भी जा रहे हैं, और शिप्रा नदी भी देख कर आएंगे हम लोग। तो फिलहाल के लिए अभी निकलते हैं, बहुत लेट हो चुके हैं। चलो हर हर महादेव। तो अब हम सब लोग जा रहे हैं, पहले दिए वाले मंदिर जा रहे हैं, हर सिद्धि मंदिर, वहाँ पर दिए जलने वाले हैं, तो वो देख कर आएंगे पहले, तो इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं सब लोग ये चलते हैं फटाफट, वरना कल की तरह सीन हो जाए। वहाँ पे दिए जल रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब दिए के लिए वो बोल रहे हैं, बोर्ड लगा रखा है कि
आज भी दिए चलेंगे, पता नहीं कहीं ये बार पूछेंगे किसी से कि अगर दिए चलेंगे तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। आप लोग हर सिद्धि माता मंदिर के पास से भी ऑटो ले सकते हो अगर आप लोगों को काल भैरव मंदिर, गढ़कालिका मंदिर और एक दो जो और मंदिर वहाँ पर जाना होता है तो। और अगर आप लोग तीन चार लोग हो तो ऑटो वाले भैया आपको 200 या 300 रुपए में सबके दर्शन करा के ले आएंगे और भी जितने मंदिर है उन सबके दर्शन करा कर आपको ले आएंगे। और जहाँ से ऑटो वाले भैया आपको लेकर जाते हैं तो मंदिर के दर्शन कराने के बाद ऑटो वाले भैया आपको यहीं पर वापस छोड़ कर भी जाते हैं। जब आप लोग काल भैरव मंदिर के लिए ऑटो लेकर जाते हैं तो आपको ऐसे कई रास्ते मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा सुनसान रास्ते होते हैं और साइड साइड में एकदम खेत टाइप का होता है, तो हमें भी यहाँ पर ऐसा थोड़ा बहुत डर लग रहा था लेकिन उसके बाद ऑटो वाले भैया ने बोला कि ऐसे ही रास्ते आते हैं यहाँ पर, तो हम सब लोग काल भैरव मंदिर पहुँच गए थे। और जो काल भैरव मंदिर का बाहर का व्यू है तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो आप लोग अंदर आने के बाद यहाँ पर प्रसाद की टोकरी ले सकते हैं जो 100 रुपए की टोकरी आपको मिल जाती है और उसमें आपको ये तंत्र और प्रसाद वगैरह भी मिल जाता है। अगर आप लोगों को शराब वाला प्रसाद लेना होता है तो यहाँ पर कोई भी शॉप पर वैसे भी मिल जाता है प्रसाद। तो अब हम लोग काल भैरव मंदिर आ गए हैं, तो अभी ये देखो ऐसी जगह है, यहाँ पर अभी हम सब लोग जा रहे हैं, प्रसाद भी ले लिया हमने और जो और दूसरा वाला प्रसाद होता है वो भी चढ़ता है यहाँ पर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, जाके दर्शन करते हैं, कैसे दर्शन होता है फिर बताते हैं। और यहाँ पर देखो पीछे लोगों ने ये मन्नत मांगकर यहाँ पे धागर बांध के जाते हैं। हमारे कुछ साथियों ने शॉर्टकट रास्ता अपना लिया और हमें ये रेलिंग रेलिंग में से निकाल दिया। हम पहले खुश हो रहे थे कि हमने शॉर्टकट रास्ता में ले गया। और यहाँ पर आपको ऐसे साइड साइड में बैरिकेड लगे मिल जाते हैं जिनमें से आपको पार करके काल भैरव मंदिर तक जाना होता है और ये कई दूर तक ऐसे ही बैरिकेड लगाए गए हुए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित काल भैरव मंदिर हिंदू देवता का मंदिर है। यह मंदिर शहर के रक्षक देवता महाकाल भैरव को समर्पित किया गया है। यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। भारत के जागृत मंदिरों में से इस मंदिर का भी नाम शामिल है। शिव की पूजा करने वाले आठ भैरव की पूजा करते हैं जिसमें काल भैरव सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि काल भैरव मंदिर का निर्माण भद्रसेन राजा ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण शिप्रा नदी के किनारे पर करवाया गया था। कपालिका और अघोरा संप्रदाय के लोग ज्यादातर काल भैरव की ही पूजा करते हैं, इसलिए काल भैरव का मंदिर उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। हर रोज यहाँ पर हजारों भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान की पूजा करने के समय शराब भी चढ़ाई जाती है और इस काल भैरव मंदिर को मालवा की सुंदर वास्तुकला में बनवाया गया है। ऐसा माना जाता है जो काल भैरव का पहला मंदिर था वो राजा भद्रसेन ने बनवाया था। इस बात का जिक्र स्कंद पुराणों में भी आता है। किसी भी भगवान के मंदिर में प्रवेश करने के बाद सभी भगवानों की पूजा करते हैं। पूजा करने के लिए कोई फूल, प्रसाद, बेल के पत्ते, हार, नारियल आदि चढ़ाता है। मगर क्या किसी को पता है कि उज्जैन के जागृत काल भैरव मंदिर में जाने के बाद भगवान को पूजा के में क्या चढ़ाया जाता है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए फूल, प्रसाद, हार, नारियल तो चढ़ाया जाता ही है लेकिन उसके साथ में भगवान को शराब भी चढ़ाई जाती है। आपको जो ये अग्यारी दिख रही है इसकी बहुत मान्यता मानी जाती है। जो आपको गोला मिलता है वो अगर आप अपने ऊपर से कर अगर इस अग्यारी में डाल दो और उसके बाद में जो अग्यारी होती है वो भभूति के रूप में उसको आप अपने घर भी ले जा सकते हो, वो बहुत मान्यता मानी जाती है उसकी। काल भैरव बाबा इधर की साइड है, ये रे दर्शन करते हैं। और इधर की साइड ये अग्यारी है और ये जो अग्यारी है यहाँ पर मतलब गोला वगैरह चढ़ता है जो अपने ऊपर से चढ़ा के यहाँ पे आग में मतलब डाल सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर ये भभूति भी ले जा सकते हैं, जो इसकी भभूति होती है वो आप ले जा सकते हैं घर पर। बाकी हम लोगों ने परिक्रमा लगा ली, 5 परिक्रमा लगाते हैं इसकी, हम लोगों ने लगा लिया।
अभी चल रहे हैं नीचे की ओर, और भी दर्शन कराते हैं आपको मंदिर के। और आपको जो यहाँ पर ये दीप स्तंभ दिख रहे हैं, ये यहाँ पर जल चुके हैं। और इधर है काल भैरव मंदिर, और यहाँ पर देखो कितनी भक्तों की भीड़ हो चुकी है, बहुत ही भक्तों की भीड़ हो चुकी है। उज्जैन तंत्र मंत्र की देवी के नाम से प्रसिद्ध मां गढ़कालिका देवी का प्राचीन मंदिर उज्जैन के काली घाट में स्थित है। कालिका माता के प्राचीन मंदिर को गढ़कालिका के नाम से भी जाना जाता है। देवियों में तंत्र साधना के लिए कालिका को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। माता गढ़कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्त आते हैं। नवरात्रि में गढ़कालिका देवी के दर्शन मात्र से ही अपार सफलता मिलती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। माना जाता है कि इनकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का निर्माण सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका पूर्ण निर्माण कराया था। उज्जैन शहर में 51 शक्ति पीठों में से एक हरसिद्धि माता मंदिर की तरह गढ़कालिका मंदिर भी धार्मिक मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कपड़े के बनाए गए नरमुन चढ़ाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में दशहरे के दिन नींबू बांटा जाता है। इस मंदिर में तांत्रिक क्रिया के लिए कई तांत्रिक मंदिर आते हैं। इन 9 दिनों में माता कालिका अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देती है। मंदिर के प्रवेश द्वार के आगे ही शेर की प्रतिमा देखने को मिलती है। हम लोग गढ़कालिका मंदिर आए हैं, और ये भी शक्तिपीठ मंदिर है, और इतनी सुंदर माता है, बहुत सुंदर माता है, बहुत ही ज़्यादा इतनी अच्छी लगी हमें बहुत ज़्यादा। और ये देखो इधर भी ये दीप है, और ये इधर के पता नहीं शायद जल गए थे या नहीं जले मुझे नहीं पता, लेकिन जो हम वो महाकाल वाले जो दीप हैं वो 2 महीने से बंद कर रखे हैं, मतलब 2 महीने तक नहीं जलेंगे क्योंकि वो अखंड हो चुके हैं। वो अपने आप ही दिन में जलने लग गए थे, तो वो अखंड हो गए, तो बता रहे थे कि मतलब वो दिन में अपने आप जलने लग गए थे, और कुछ उसको दोबारा रिकवर करके फिर दोबारा से जलाएंगे, दीप जलाएंगे 2 महीने बाद करेंगे। बाकी अभी इधर के देख लो शायद जल चुके हैं यहाँ के। और बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा लगा, शक्तिपीठ मंदिर है माता का, वो सुकून मिलता है माता के मंदिर आकर। बाकी हम लोग चलते हैं, अभी ऑटो वाले भैया देखते हैं कहाँ लेकर जाएंगे अब। और ये देव अब आया, ये ट्रेन में बस मेरी वीडियो में आया था, और ये अब आया है और मेरे साथ ही रहता है, मेरे वहीं गली में। हाँ चलो आके दर्शन कर लिए, हम चलते हैं बाहर की ओर। पर एक और चीज़ है, जैसे कि हम सिक्का मगर जैसे फेंकते हैं, अगर वो चिपक जाता है तो वो मनोकामना हमारी पूरी हो जाती है, मतलब ऐसा कुछ कहा जाता है। लेकिन हम पैसे को क्यों फेंकें, हम वहाँ से चिपका देंगे, मनोकामना पूरी होगी तो करनी होगी तो भगवान वैसे भी कर देंगे। तो ये देख लो यहाँ पर हमने अपना चिपका दिया है 2 रुपये का सिक्का, भगवान मनोकामना पूरी कर दे रहा हमारी भी। यहाँ पर लोगों ने देखो अपनी मन्नतें लिख रखी है दीवार पर, शायद और यहाँ पर भी देखो लोगों ने सतीय बना रखे है, मेरी भाभी भी बना रही है, और हमारी भाभी भी बना रही है, और कैमरे में कैप्चर हो रही है इन दोनों, और मैंने भी बनाया, मुझे भी देख लिया होगा, ये बनाया मैंने, मेरा यहाँ देखा, मेरा देखा, देख मेरा ये भाभी का यहाँ पे, मेरा मम्मी का कहाँ पे, इधर गणपति बाप्पा का ये अनोखा मंदिर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित है। इस मंदिर में भगवान गणेश जी की एक विशाल प्रतिमा है, आकार की वजह से इन्हें बड़े गणेश जी के नाम से भी जाना जाता है। दावा है कि इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा विश्व भर में गणेश जी की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। मंदिर में स्थापित गणेश जी की प्रतिमा लगभग 18 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी है। मूर्ति को बनाने में सभी पवित्र तीर्थ स्थलों का जल भी मिलाया गया है। इसके अलावा 7 मोक्ष पुरियों, मथुरा, द्वारिका, अयोध्या, काजी, उज्जैन, काशी और हरिद्वार से लाई हुई मिट्टी
भी मिलाई गई है। सभी पवित्र तीर्थ स्थलों के जल और मोक्ष पुरियों की मिट्टी है। चलते इस स्थान को और भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है और बताया जाता है कि इस मूर्ति को बनाने में लगभग 2.5 वर्ष का समय लग गया था। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर की ओर और अंदर की साइड आके हमने देखा कि यहाँ पर सभी देवी देवताओं की प्रतिमा यहाँ पर बना रखी है। तो इसी मंदिर में हम जितनी भी यहाँ पर प्रतिमा बना रखी है देवी देवताओं की, तो हम सभी प्रतिमाओं के दर्शन आपको इस वीडियो में करा देंगे। तो मंदिर के थोड़ा और अंदर आके आपको नंदी जी देखने को मिलते हैं, जिनके कान में भक्त अपनी विश मांग रहे होते हैं ताकि वो शिव भगवान तक चले जाए। और उनके जस्ट ही आगे शिव जी की प्रतिमा देखने को मिलती है और उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर है। दर्शन कर लिए, अब हम नीचे जाएंगे, पहले चेंज वगैरह कर ले, फिर उसके बाद में हम जाएंगे खाना खाने। थोड़ी सी भूख है, ज़्यादा इतनी भूख भी नहीं है, तो बस वही थोड़ा बहुत खाना खा के फिर आके रेस्ट करेंगे, फिर मैं डिसाइड करके बताऊँगी हम कल कहाँ जा रहे हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं डिनर करने, अभी मेन्यू रखा हुआ है मेरा, ऑर्डर देंगे और भैया मैं भी बैठी हूँ। ऑर्डर दे दिया इन्होंने भी, ऑर्डर नहीं दिया, अभी हम भी ऑर्डर देंगे देखकर। हल्का फुल्का ही खाना खाना, ज़्यादा इतना मन भी नहीं है। देखो भूखे बैठा रखे हैं, हमारा ऑर्डर दे रखा है और ये भैया खाना नहीं बना के दे रहे, पता नहीं क्या करने में लगे पड़े हैं। ये देखो भाभी का भी ऑर्डर आ चुका है। तो हम लोग खाना खाकर आ गए हैं और ना मैं एक बात हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ डिसाइड ही नहीं हो रहा कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। पहले बोल रहे थे कि ओमकेश्वर मंदिर है वो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर, तो वहाँ जाएंगे, और फिर उसके बाद में हमारा डिसाइड हो रहा है कि इंदौर में वैष्णो माता मंदिर है वहाँ जाएंगे। अब समझ नहीं आ रहा क्योंकि हमारे को कल चेकआउट करना है और हमारी ट्रेन भी है 6:30 बजे की, तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए और कैसे जाए, मतलब दिमाग ख़राब हो चुका है क्योंकि टाइमिंग भी बहुत कम है हम पे, और वहाँ पर ओमकेश्वर मंदिर में थोड़ी चढ़ाई भी है, वहाँ पे जीने भी चढ़ने पड़ते हैं, तो यही समझ नहीं आ रहा। और टाइम भी बहुत कम है, कम से कम जाने में भी हमें 2-3 घंटे लग जाएंगे क्योंकि 150 किलोमीटर जाने का है, 150 किलोमीटर आने का 300 किलोमीटर हो गया, तो इस वजह से समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब देखते हैं, अभी मैं कुछ बता नहीं सकती कन्फर्म कि हम कहाँ जाएंगे, कौन से मंदिर जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, और अभी तो समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको अभी तो फिलहाल सोएंगे, फिर सुबह ही बताऊँगी मैं आपको कि कहाँ का डिसाइड हुआ। तो चलो बाकी सुबह ही मिलते हैं आपको। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।